शोरूम कुछ दिन पहले एसएमसी के द्वारा सील किया गया था। आज जब मैंने एक सरप्राइज विजिट यहां पर की तो देखा गया कि ये शोरूम अंदर से आज फिर से ऑपरेशनल है। यहां पर बाइक की लेन देन अभी भी चल रही है, यहां पर बाइक की सर्विस आज भी चल रही थी। मैं यहां पे गेट पास बने हुए थे बाइक के, जब हमने यहां जानने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें। उसके बाद हमने यहाँ से मामलेदार को जी को फ़ोन किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपनी पूरी टीम भेजी। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये पूरी टीम आई है, बाकायदे यहाँ पे पुलिस की टीम भी आई है और यहाँ पर अब एक्शन मोड चालू है। यहाँ पर अब एक्शन लिया जा रहा है कि ये जो सील की गई जगह थी उसको ट्रेसपास करके ये स्टाफ किसके बलबूते पर अंदर गया। नमस्कार, मैं सोनिया चौहान पब्लिक वॉइस से आज सिलवासा के एक शोरूम में खड़ी हूँ। इम्पीरियल होंडा शोरूम, जो एक ऑटो बाइक का टू व्हीलर का शोरूम है, और बता दूँ कि एक साल पहले ये शोरूम यहाँ पर सील हुआ था, जिसके चलते इलीगल एक्टिविटीज़ ये फिर से कंटिन्यू होने लग गया था। और जब जैसे ही इसका सोशल मीडिया वालों को पता चला, सोशल मीडिया पे काफ़ी ये वीडियो वायरल हुआ था कि ये सील की हुई दुकान फिर से ऑपरेशनल है, यहाँ पर बाइक्स बिक रही है, सर्विस हो रही है, तो यहाँ पर फिर से ये कुछ दिन पहले सील हुआ था। और अब यहाँ पर हम विज़िट करने जब आए तो देखा गया कि ये जो सील किया हुआ था, ये एसएमसी ने इसको सील किया था। यहाँ पर जो दुकान के जो ओनर्स हैं, उनकी जो स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सारा सील तोड़कर अंदर आए थे। और वहाँ से यहाँ से अभी फिर से बाइक्स बिक रही थी, बाइक की सर्विस हो रही थी। आप मेरे साथ जॉब कार्ड्स भी देख सकते हैं, जो आज की तारीख के हैं, जितने जॉब कार्ड्स हैं वो सारे हैं कि वो आज जितनी बाइक्स आई है वो वापस गई है यहाँ से। अब जैसे ही हमें पता चला और हम यहाँ पर आए, हमने तुरंत यहाँ के मामलेदार को फ़ोन किया, मामलेदार और एसएमसी को भी हमने फ़ोन करके बताया, तब वहाँ से प्रशासन पूरा यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मामलेदार सर थे, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ थे और एसएमसी की भी टीम आई है, जो अभी वापस इस दुकान को सीज कर रही है। उन्होंने यहाँ का जो मैनेजर है उसे भी धर दबोचा, जो अभी थोड़ी देर पहले भाग गया था यहाँ से, उसे ढूंढ के वो लेकर आए हैं और उन्होंने अपनी कस्टडी में उसको अभी रखा है। बता दें कि वो मैनेजर को जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि हम लोगों को ऊपर से ऑर्डर था, हमारे पास ऑर्डर है ये शोरूम को चलाने के। आप मेरे साथ देख सकते हैं ये जो पेपर है, ये एक 7/12 का दाखिला है, जिसमें बताया गया है कि ये जो ज़मीन पर ये जो शोरूम खड़ा है ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है और ये यहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही कि ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है और लगातार इसमें यहाँ पर बाइक्स बिक रही है। 2 बार पहले भी इसे सील कर दिया गया और आज वापस से एसएमसी की टीम आई है, वो यहाँ पर सारा सामान जब्त कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो उन्होंने सारी बाइक्स अभी वापस जब्त की है और उसे सील कर रहे हैं। कि जो कंप्लेनर है, जिसने मुझे ये डॉक्यूमेंट दिए, वो कंप्लेनर ने आज से 6 महीना पहले जून में 4 तारीख को ये कंप्लेन की कॉपी और ये ही कंप्लेन जो दाखिला मेरे पास है 7/12 का, वो पूरा डॉक्यूमेंट अटैच करके मोहित मिश्रा सर को, मामलेदार जी को, फिर एसएमसी में दिया है और यहाँ के और डिपार्टमेंट्स में भी दिया है ये डॉक्यूमेंट अटैच। अब लगातार 6 महीने के बाद फिर से ये दुकान आज सील हुई है। अब देखना ये है कि और कितनी बार ये दुकान सील होगी, ये शोरूम जो है वो लगातार सील होगा या जो ये डिमोलिश होगा। अब देखना ये है कि कल क्या कार्रवाई होती है। हमारे अगले वीडियो में इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई हो रही है मैं जल्द लेकर आपके सामने आऊँगी। ज़रूर कल अगर इसके ऊपर कोई एक्शन, अभी तो काफ़ी लेट हो चुका है, और अगर कल इसके ऊपर कोई एक्शन आता है तो मैं ज़रूर कल इसकी पूरी रिपोर्ट्स लेकर आपके पास आऊँगी। या तो हम यहाँ पर जो सीनियर्स लोग हैं, जिनको अधिकारी हैं, उनके पास जाकर हम इंटरव्यू भी लेने की कोशिश करेंगे कि ये हर बार क्यों सील होता है, ये डिमोलिश क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है कि ये इलीगल यहाँ पर खड़ा है तो इसको डिमोलिश क्यों नहीं किया जा रहा है। मेरे चैनल से बने रहिए आसपास की खबरों के लिए, और जो भी यहाँ पर गलत होता है कहीं पर भी, आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करिए, हम तुरंत वहाँ पहुँचकर जो भी गलत होता है और जो भी अन्याय होता है हम उसके लिए तुरंत आवाज़ उठाएंगे।